वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए स्टूडेंट्स, अपन ने चैप्टर नंबर सेकंड का एक्सरसाइज नंबर 2.1 कर ली, 2.2 कर ली। अब 2.3 की बात करते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम का मतलब क्या होता है वो देखिएगा। अपन डायरेक्ट क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन कैसे करेंगे अपन। थोड़ा सा उससे पहले अपन बेसिक सीखते हैं क्या मतलब है। जैसे मैं ऐसे बोलूँ आपको 5 को डिवाइड करना है, 20 2 से डिवाइड करना मान लीजिए, तो कैसे बोलेंगे आप? 5 को 2 से डिवाइड किया, 2 टाइम्स किया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 4, रिमाइंडर कितना बचा हुआ है, यानी कि जो लास्ट में बचेगा वो क्या होगा? रिमाइंडर। क्या होगा? रिमाइंडर। ठीक है, जैसे मैं बोलूं 147 को 5 से मल्टीप्लाई करना, तो पहले 14 को चेक करेंगे, 2 टाइम्स आएगा 10 लिख सकते हो, 4 रिमाइंडर 7। अब 5 को 47 से डिवाइड करेंगे, 9 टाइम्स 9 को 5 से 45 रिमाइंडर 2 बचेगा। ये क्या बचा? रिमाइंडर। ये क्वेश्चन है 29 क्वेश्चन है, रिमाइंडर आपका 2 आ गया। तो ऐसे अपन वेरिएबल और वेरिएबल के बारे में, वेरिएबल में कैसे डिवाइड करते हैं, कांस्टेंट को वेरिएबल को कैसे डिवाइड किया जाता है, उससे पहले अपन थोड़ा सा बेसिक सीखते हैं। बेसिक कैसे सीखा जाएगा देखिए। अगर मैं बेसिक की बात करूं, यहाँ पे 2.3 का बेसिक की बात करते हैं, एक्सरसाइज 2.3 का। जैसे अगर मान लीजिए मैं बोलूं एक्स स्क्वायर को आपको x की पावर 3 से मल्टीप्लाई करना, तो आपको पता है बेस सेम होती है तो पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। x की पावर क्या है? 5 है। अगर मान लीजिए मैं बोलूं x की पावर 2 है, x की पावर 1 है, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 1, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, यानी कि ये वाला बेस और ये वाला बेस सेम है तो पावर क्या होगी? 8 एक्स क्यूब आ गया, आया कि नहीं आया? अगर मान लीजिए आपके पास ऐसे आ गया 2x इंटू 3x स्क्वायर आ गया, तो देखिए ये तो कॉन्स्टेंट है और ये क्या है? वेरिएबल है। तो कैसे डिवाइड करेंगे? 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 आ गया, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 आ गया, x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया? x देखो यहाँ पे देखो, आपको पता है 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 आ गया, इसके पावर में मैं 1 लगा सकता हूँ, तो आपको पता है बेस सेम है, x और x सेम है तो 1+2, यानी कि जैसे बोल सकता हूँ x की पावर 1 इंटू x स्क्वायर बोल सकता हूँ, 6 आपका बाहर आ जाएगा। आपको पता है बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी सर। तो 6 x की पावर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे अगर बात करें अपन आगे भी कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, जैसे मान लो मैं ऐसे बोलूं x को मान लीजिए 4x की पावर 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपको पता है यहाँ देखिए 4 है तो 4 अलग से आएगा, x की पावर 1 यहाँ है 3 यहाँ है, कितनी हो जाएगी? डायरेक्ट x की पावर 4 हो जाएगी। ठीक है, ऐसे अगर मान लीजिए आपके पास ऐसे आ गया x की पावर 2 x की पावर 3 इंटू x की पावर 4, तो बताओ बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, 2+3 5+4 9 हो जाएगा। ऐसे भी तो हो सकता है x स्क्वायर अपॉन x की पावर 3, ऊपर से नीचे जाएंगे तो पावर का साइन चेंज हो जाता है, यानी कि पावर का साइन कितना आ जाएगा? -3 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। जब ऊपर से अपन नीचे से ऊपर जाएंगे तो साइन चेंज होता है, अगर नीचे लाते तो भी साइन चेंज होता, तो यहाँ पे बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। कितना हो जाएगा? 2-3 कितना हो गया? x की पावर -1 आ गया। ठीक है, ओके। अगर मान लो ऐसा होता x स्क्वायर इनटू x की पावर -1, बेस सेम है, पावर को क्या कर देंगे अपन? ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 2+-, तो x की पावर 1 आएगा, यानी कि x होता है वो
ये बात समझ में आ गई, दर्शी कॉन्सेप्ट थे। एक बार इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले, चलो एक बार आगे भी कर लेते हैं अपन थोड़ा सा। अगर मान लो ऐसा आ गया x प्लस एक्स करना है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका एक बार, सभी स्टूडेंट्स इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे चलते हैं। हाँ जी, आप देखिए, नंबर 8 है आपका, ठीक है। मान लीजिए आपके पास ऐसे आ गया x प्लस एक्स, आगे कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। नंबर 9 आ गया x माइनस 2x, कितना हो जाएगा माइनस x हो जाएगा। x में x ऐड करेंगे, देखिए वैसे मल्टीप्लाई करते हैं ना तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। मल्टीप्लाई करते तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। क्या हो जाती है, पावर ऐड हो जाती है। यहाँ पे x में x ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। x में x ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। x में 2x माइनस करेंगे तो माइनस का x आएगा। अब आगे देखो, अगर मान लो ऐसा आ गया 2x प्लस 3x, तो बताओ कितना आएगा 3 प्लस 2 5 6 x हो जाएगा। ऐड कर रहे हैं सिंपल। अगर मान लो ऐसा हो x स्क्वायर प्लस x कितना होगा, तब ये ऐड नहीं होगा क्योंकि पावर इसकी 2 है, इसकी पावर 1 है, ये सॉल्व नहीं हो सकता। इसमें बस एक काम कर सकते हैं अपन, x कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेने का मतलब आपने 1 x कॉमन ले लिया है, 1 x यहां बच जाएगा। यहाँ पे x कॉमन आ गया तो क्या बचेगा, यहाँ पे 1। बस इसको आप ऐसे ब्रेक कर सकते हो, आगे नहीं सोल्व कर सकते। बात सबके समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, क्वेश्चन की बात करते हैं। इसकी बात करते हैं 2.3 का क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, अब देखिए यहाँ पे अगर अपन समझे इसको, देखिए क्या बोलती है थ्योरम अपनी, जो थ्योरम है वो क्या बोलती है, डिवाइड वाली, डिवीजन वाली। जैसे मान लीजिए आपके पास, आपने किसी नंबर को डिवाइड किया, ठीक है, ओके। जैसे मान लीजिए अपन किसी भी नंबर को अगर डिवाइड करें, अगर बात करें अपन, एक सेकेंड, जस्ट वन सेकेंड, जैसे मान लीजिए ये आपका पी एक्स है। जैसे मैं बोलूं 5 को डिवाइड कर रहा है 3 से, ठीक है, तो कितने टाइम्स आया, 1 टाइम्स आया, 3 आ गया, यहाँ पे रिमाइंडर 2 बच गया। इसको तो बोलते हैं अपन रिमाइंडर, क्या बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, क्वोशेंट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, डिवाइडेंड बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, डिवीजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिवीजर बोलते हैं। समझ में आ रहा है, इसको डिवीजर बोलेंगे। जिससे डिवाइड करते हैं वो डिवीजर होता है, जिससे डिवाइड करते हैं वो डिवाइडेंड होता है, जो बचता है वो रिमाइंडर होता है, जितने टाइम जाता है वो क्या होता है, क्वेश्चन होता है। तो ये डिवीजर हो गया, ये डिवाइडेंड हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, ये रिमाइंडर हो गया। तो मैं इसको कॉन्सेप्ट से बता रहा हूं। अगर मान लीजिए आपके पास, आपने क्या किया, आपने पी एक्स से डिवाइड किया, पी एक्स में डिवाइड किया, जी एक्स से डिवाइड किया और क्यू एक्स आया, और आपके पास जो रिमाइंडर बचा वो
rx आया, तो ये होता है डिवाइडेंड इक्वल टू डिविजर इनटू क्वोशेंट, डिविजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये फॉर्मूला होता है डिवाइडेंड इक्वल टू डिविजर इनटू क्वोशेंट, यानी कि अगर मान लो, मैंने 5 को 2 से डिवाइड किया तो 4 आया, यानी कि जो आपका 5 है, जो आपका ये वाला 5 है वो इन दोनों का मल्टीप्लाई, जो 5 है, 5 का मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे क्या है, पीएक्स है, क्या है, पीएक्स है, और जीएक्स इनटू क्यूएक्स प्लस आरएक्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं बताऊँ आपको, यहाँ पे पीएक्स है, यहाँ पे क्या फाइव है, यानी कि पीएक्स यानी कि फाइव इक्वल में जीएक्स, जीएक्स का मतलब टू इनटू टू, यानी कि जो ये फाइव है इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस जो रिमेंट बचता है वो वन, तो टू कितना हो गया, फोर प्लस वन कितना हो गया, फाइव, यानी कि फाइव के ऊपर कौन आ गया, फाइव आ गया। बात को समझ लो मेरी को या सुन लो, जैसे मान लो और अपने एग्जांपल ले बार के लिए, अगर मैं वो एग्जांपल लूं सिंपल, यही पे एग्जांपल ले लेता हूं मैं, 7 को डिवाइड किया 2 से, 3 टाइम जाएगा 6 बचेगा, यानी कि जो मेरा 7 आएगा वो इन दोनों का मल्टीप्लाई आएगा 2 into 3, और रिमेंडर बचेगा वो आएगा कितना हो गया, 6 plus 1 कितना आ गया, 7 equal to 7, बिल्कुल होता है। बात समझ में आ रही है, तो यहाँ पे जो ये px होगा, जो डिवाइडेंड होगा वो इन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी कि जैसे आपने इन दोनों का मल्टीप्लाई किया था वैसे यहाँ इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि gx into qx और रिमाइंडर क्या बचा, rx, यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचा, 1, यानी कि 1 ऐड कर दिया। इतनी बात आप सभी के समझ में आ गई होगी आई थिंक। तो आप लोग एक बार इतना स्क्रीनशॉट लो फिर अपन आगे चलते हैं, एक बार इतना स्क्रीनशॉट लो फिर अपन आगे चलते हैं, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है, फॉर 2.3 एक्सरसाइज का फर्स्ट का फर्स्ट, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस 1 डिवाइड करना x प्लस 1 से, ठीक है, बिल्कुल डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर बताना है, क्या बताना है, रिमाइंडर बताना है, ओके। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट, आपको डिवाइडेंड दिया हुआ है, डिवाइडेंड क्या दिया हुआ है, x क्यूब, डिवाइडेंड को क्या लिखते हैं अपने, px लिखते हैं, डिवाइडेंड को क्या लिखते हैं अपने, p ऑफ x, वो क्या दे रखा है, x क्यूब प्लस का 3x स्क्वायर प्लस का 3x और प्लस का 1 दे रखा है, ये आपके पास डिवाइडेंड है, आपको किससे डिवाइड करना है, उसको x प्लस 1 से डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, x प्लस 1 से, तो आपको डिविजर दे रखा है, डिविजर क्या दे रखा है, x प्लस 1 दे रखा है, ठीक है। तो अपन x प्लस 1 को डिवाइड करेंगे, x प्लस 1 को डिवाइड करेंगे किससे, x नहीं, x प्लस 1 से, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 से। देखिए डिवाइड करने का तरीका क्या होगा, वैसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ लिखता हूँ, मैं इसको यहाँ पे भी लिख सकता हूँ, यानी कि मैं इसको यहाँ पे भी लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, यहाँ पे भी लिख सकते हो आप, यहाँ पे भी लिख सकते हो। अब देखो इस x क्यूब है अपने पास, इस x को कितने से मल्टीप्लाई करूँ, x क्यूब आ जाएगी, इस x क्यूब को सॉरी इस x को कितने से मल्टीप्लाई करूँ, x क्यूब आ जाएगी, मैं यहाँ पे x स्क्वायर लिख रहा हूँ, सिंपल x स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करूँ कितना आएगा, x क्यूब आएगा। देखिए वैसे आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं इस x स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ठीक है।
एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई किया एक्स क्यूब, आगे क्या आएगा प्लस का एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये तो प्लस का है ये माइनस का है। अब देखो यहाँ पे थ्री एक्स स्क्वायर तो प्लस का है, एक्स स्क्वायर किसका माइनस का, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना बचेगा ये टू एक्स स्क्वायर बच जाएगा, कितना बच जाएगा टू एक्स स्क्वायर बचेगा। अब आगे देखो ये ऐसा का ऐसा आएगा थ्री एक्स, ये प्लस वन हो जाएगा। अब क्या करेंगे अपने, ये आपके पास एक्स स्क्वायर था, अब मैं इसको कितने से गुणा मल्टीप्लाई करूँ, इस एक्स को कितने से मल्टीप्लाई करूँ, ये आ जाए मैं टू एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा, टू एक्स से मल्टीप्लाई टू एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करूँ टू एक्स स्क्वायर आएगा, टू एक्स को वन से करो टू एक्स आएगा, प्लस में वन है नहीं ये ऐसे रहेगा। अब इसको फिर माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये एक्स बचेगा प्लस का वन बचेगा। अब इस एक्स को कितने से मल्टीप्लाई करो, एक्स आ जाए वन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सिंपल एक्स प्लस वन ही आ जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा जीरो बचेगा। तो आप बताओ मेरे को इसमें रिमाइंडर कितना बचा, ये भी कट गया, ये भी कट गया है और ये भी कट गया है, दोनों ही माइनस थे वैल्यू जीरो आ गई। इसका मतलब इस क्वेश्चन में रिमाइंडर क्या आएगा, इस क्वेश्चन में क्वेश्चन को कितना आ गया, क्वेश्चन तो आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, और जो रिमाइंडर आया है वो जीरो आया है। ठीक है, एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे चलो, एक बार सभी स्टूडेंट्स इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ अब सुनो मेरी बात, अब आप लोग क्या करेंगे, मैं आपको पीडीएफ सेंड नहीं करूँगा, कॉपी मतलब पेज पे लिख के नहीं सेंड करूँगा, मैं आपको वीडियो के माध्यम से समझाऊंगा, आप वीडियो के माध्यम से कॉपी में वर्क करेंगे, कॉपी में कंप्लीट काम करेंगे वीडियो के माध्यम से, मैं आपको पीडीएफ सेंड नहीं करूँगा आज से। ठीक है, थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, बाकी कल पढ़ेंगे। ओके थैंक यू।